फैमिली, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल साक्षी जसवंत सिंह राजपूत में। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और आज है नवरात्रि का फर्स्ट डे, तो आप सभी को नवरात्रि के पहले दिन की हार्दिक शुभकामनाएं। माता रानी करे सबके घर में सुख समृद्धि और सबकी लाइफ खुशियों से भर जाए। तो फाइनली मेरा मंदिर आ चुका है, मैंने आप लोगों को दिखाया था। तो आज मैंने फास्ट किया है, तो मैंने सोचा कि पहले इसको अच्छे से पोछ लेती हूँ, तब इसका डेकोरेशन करूँगी। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं बिना देर किए हुए। पहले इसकी थोड़ी सी सफाई कर लेती हूँ, कपड़े से अच्छे से पोछ लेती हूँ। उसके बाद जो भी सजाना सजाना है, जो भी मेरे पास सामान अवेलेबल है, मैं उसी से सजाऊंगी। तो चलिए साथ में मिलके करते हैं, ठीक है? तो मैंने एक कपड़ा धुल के रख लिया था, इसी से मैं सोच रही पूरा अच्छे से पहले मंदिर को साफ़ कर देती हूँ, उसके बाद दिखाती हूँ आगे क्या क्या करती हूँ। तो आप लोगों के सामने ही सारी चीज़ें करती हूँ मैं, ठीक है? और आवाज़ मेरी धीरे धीरे निकल रही है क्योंकि आज फास्ट है, तो जाहिर सी बात है तेज नहीं चिल्ला सकती, ठीक है? सोच रही इसको कहाँ लगाऊँ, ऐसे मंदिर में ये अच्छा लगेगा क्या? या तो फिर मैं ऐसे ही नीचे रख देती हूँ, क्योंकि यहाँ लगाऊंगी तो अच्छा नहीं लगेगा। ऐसा एक और भी है, तो देखती हूँ कहाँ इसको सेट करना है, फिर दिखाती हूँ सारी चीज़ें, ठीक है? हे गाइस, तो अभी मंदिर की सफाई हो गई और ये देखिए ये मैंने लेके आई थी आसन माता रानी का, कितना प्यारा है ना। और ये चुनरी भी बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगी मुझे, पूरी वर्क वाली, बहुत मुश्किल से ढूंढने के बाद मिली है। पहले तो सिंपल से चुनरी मिल रही थी तो वो मुझे नहीं पसंद आ रहा था, लेकिन फाइनली जहाँ से हमने मूर्ति लिया तो वो पत्थर वाली मूर्ति भी बहुत ही खूबसूरत है, मतलब बहुत अच्छी लगी मुझे, बहुत पसंद आई। मेरी दुकान पर ही चुनरी भी मिल गई, जो कि चुनरी मेरे को बहुत ज़्यादा पसंद आई, ये देख सकते हैं। तो अभी मैं माता रानी का श्रृंगार करूँगी, तो सारी चीज़ें मैं लगा दूँगी। अभी ये आसन यहाँ पर लगा दूँगी, मुझे लग रहा था कि साइज़ ठीक होगा, लेकिन थोड़ा सा बड़ा हो गया है ये, कोई बात नहीं, एडजस्ट कर लेंगे इसको हम और लगा देते हैं, ठीक है? और भी करनी तो बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन अब वो ऑन कैमरा नहीं हो पाता है। अभी जैसे मैं सारे बर्तन धुल के आई, जो भी पहले के साईं बाबा थे सबको उन्हें ला के पूछ पाछ के लेके आई। माता रानी का पहले से जो मूर्ति नहीं था, फोटो था साईं बाबा की मूर्ति थी, और भी जो भी था तो उनको सब साफ़ करना था, थाली वाली थी, पीतल वाली लुटकी उटकी थी, सब साफ़ करना था, तो वो सारी ऑन कैमरा नहीं हो सकता है। तो फाइनली मतलब सारी तैयारी हो चुकी है, मंदिर बस सजाना है। तो सजाना क्या है, माता रानी की स्थापना करनी है यहाँ पर, उसके बाद करना है मेरे को पूजा। और मैं अभी सारी चीज़ें सजा दे रही हूँ, उसके बाद मैं तैयार भी होंगी। तो ये सारी चीज़ें हैं खाने वाली आज फास्ट में, जो हम लोग खाएंगे। हे गाइस, तो चीटा चल रहा है। मैं भी सोच रही थी ना कि साबूदाना तब तक बना लेती हूँ, क्योंकि फिर मैं तैयार हो जाऊँगी तो बनाना नहीं बनेगा, मतलब साड़ी वाड़ी पहन के थोड़ा ये हो जाता है, कम्फर्टेबल नहीं रहता है सब कुछ करना, चूड़ा चूड़ी सब कुछ पहन लूँगी। तो तैयार होने से पहले सोच रही हूँ कि साबूदाना मैं बना के रख लूँ। वैसे तो फौजी साहब बोल रहे थे मुझे कुछ नहीं खाना है, तुम अपने लिए कुछ बना लो,
लेकिन फिर भी सोच रही हूँ कि चलो साबूदाने का खीर ही बना लेती हूँ। साबूदाने का खीर खा सकते हैं हम, और कुछ तो खाते नहीं है। फ्रूट है ही, केला, सेब, नारियल पानी आ गया, मतलब सारी चीज़ें आ गई हैं, तो जो पीना होगा, जो खाना होगा, दही भी आ गया है, दही खा सकते हैं हम। तो फाइनली मैं सोच रही हूँ बना ही देती हूँ, खीर रहेगा थोड़ा खा लेंगे। मूँगफली का दाना भी लाए हैं फौजी साहब कि उसको भून के खा सकते हैं, लेकिन मेरा मन नहीं कर रहा है, तो मैं क्या कर रही हूँ, बस साबूदाने का खीर बना लेती हूँ। थोड़ा सा हम लोग रात में खा लेंगे, उसके बाद तो सो जाना। वैसे भी हम तो निर्जला व्रत कर ही लेते हैं, तीज और उसका तो व्रत करते ही हैं, तो ये तो फिर भी बहुत राहत भरा होता है, फ्रूट्स वगैरह खाने रहते हैं तो कोई टेंशन नहीं है। अभी पहले मैं खीर बना लेती हूँ, उसके बाद तैयार वार होके फिर पूजा वूजा हम करेंगे। तो चलिए अभी मैं खीर बना लूँ, ठीक है। तो मैंने अभी दूध बैठा दिया, बस 1 kg दूध का मैं बना रही हूँ, क्योंकि ज़्यादा क्या होगा, बस मुझे और फौजी साहब को ही खाना है। इस्माइली पता ना खाएगी कि नहीं, ये साबूदाना लेके आए हैं, तो बस बना लेती हूँ, उसके बाद मिलते हैं हम आपको। हेलो जी, तो मैं तैयार हो चुकी हूँ, देख सकते हैं चुंदरी साड़ी मैंने पहन लिया, और कैसी लग रही हूँ आप लोग ज़रूर बताइएगा। वैसे तो फास्ट में तैयार होने का मन नहीं करता है, लेकिन मुझे बहुत ही शौक था, बहुत शौक था कि माता रानी को लेके आना है, तो चुंदरी साड़ी मैंने तैयार करके रखा था कि मैं यही वाली साड़ी पहनूंगी। तो कैसी लग रही है मेरी साड़ी आप लोग ज़रूर बताइएगा, और आपको इसका लिंक चाहिए तो मैं बहुत जल्दी, मैंने आप लोगों को बोला था कि बहुत जल्दी मैं लेके आने वाली हूँ साड़ी वाला ब्लॉग, जिसमें बहुत सुंदर सुंदर साड़ियाँ होंगी, तो ये साड़ी का भी लिंक दूंगी मैं आपको। और अभी मैंने माता रानी को यहाँ पर बैठा दिया, इनकी स्थापना कर दी, तो अभी मैं कर लेती हूँ इनका श्रृंगार और पूजा की तैयारी, तो उसके बाद मैं पूजा करूँगी। तो चलिए करते हैं, आप सब भी साथ में बोलिए जय माता दी। Thank you.
पूजा और बहुत अच्छे से हो गई। और आप लोग जरूर बताना मैं कैसी लग रही थी, मेरी साड़ी कैसी लग रही है। साड़ी मेरी बहुत ज़्यादा प्यारी है, बहुत ज़्यादा मुझे मतलब एक हो जाता है ना कि फेवरेट साड़ियों में से एक हो गई है ये साड़ी, बिकॉज इसका वर्क जो है ना पूरा हैंड वर्क में है, इसलिए मेरे को बहुत ज़्यादा पसंद आई। तो अभी चलिए थोड़ा सा कुछ फ्रूट्स वगैरह खाते हैं, प्रसाद वरसाद खाते हैं। और मैंने साबूदाना का खीर पहले ही बना दिया था, तो थोड़ा सा पास्ता देती हूँ, शायद आप लोगों को आवाज़ नहीं आ रही होगी। तो मैंने आप लोगों को बताया था कि साबूदाने का खीर मैंने पहले ही बना दिया है, तो हम लोग खा लेंगे। फौजी साहब हैं नहीं, शाम को वो आएंगे तो साथ में आरती वरती करेंगे, लेकिन हो सकता है उस टाइम पर मैं वीडियो ना शूट कर पाऊँ, क्योंकि पॉसिबल नहीं होता है। ये तो मैं अकेले थी तो मैंने स्टैंड में लगा के सारी चीज़ें शूट कर ली, फिर भी जो दुर्गा चालीसा पढ़ते हैं वो नहीं हो पाया, बिकॉज मुझे याद ही नहीं आया कि कैमरा ऑन करना है, तो वो सारी चीज़ें मैं कैप्चर नहीं कर पाई कैमरे में। तो चलिए अभी चलते हैं, कुछ खा पी लेते हैं। और बहुत ज़्यादा नहीं थोड़ी सी थकान हुई है, आपको आवाज़ से लग रही होगी। तो मुझे लगता है कि इसके आगे का ब्लॉग मैं शूट नहीं कर पाऊँगी, क्योंकि आज जल्दी ही हम लोग सोएंगे पूजा वूजा करके, और शाम को फिर जब फौजी साहब आएंगे तो पूजा वूजा करके उसके बाद हम लोग सो जाएंगे। और एक्चुअली मेरे को फूल नहीं मिला आज के दिन, मतलब मुझे इतना ज़्यादा दुख हुआ ना इस चीज़ का कि क्या बोलूँ मैं। ओरिजिनल फूल फौजी साहब से बोला था लेकिन वो आ नहीं पाए, शायद रात को आएंगे तो लेके आएंगे। सुबह सुबह मेरे को नहीं मिल पाया तो मैं फूल नहीं चढ़ा पाई हूँ। कोई बात नहीं, भगवान जानते हैं सब, माता रानी समझेंगी मुझे कि मैं यहाँ कहाँ से लेके आऊँ। चलिए कोई बात नहीं, जो भी गलती सही होगी माता रानी माफ़ करेंगी। और अभी मैं जल्दी सो जाने वाली हूँ शाम का भी पूजा करके, बिकॉज सुबह में स्माइली को स्कूल भी भेजना है, उसका स्कूल भी है, तो जल्दी मुझे उठना भी पड़ेगा। तो चलिए अभी इस ब्लॉग को यहीं एंड कर देते हैं। कैसा लगा आप लोगों को मेरा ये ब्लॉग ज़रूर बताइएगा, कैसा लगा मेरा मंदिर और कैसी लगी मेरी माता रानी आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। जय माता दी ज़रूर लिखिएगा, बहुत सारा प्यार दीजिएगा और सच में अपना प्यार मुझ पे बनाए रखिएगा। तो चलिए अभी इस ब्लॉग को यहीं एंड कर देते हैं। जोर से बोलो जय माता दी, जय माता दी।